गाड़ी को कस्टमाइज करने के बहुत ऑप्शंस आते हैं। आप चाहिए तो अपनी गाड़ी पे एक बॉडी किट बिठवा सकते हैं, जैसा हमने इस 10 साल से भी ज्यादा पुरानी BMW पे किया है, जिससे गाड़ी पे कंप्लीटली नई लुक आ जाती है। कुछ लोग अपनी गाड़ी के सीट कवर्स भी चेंज कराते हैं और अलॉय व्हील्स भी अपग्रेड कराते हैं ताकि उनकी गाड़ी में एक डिफरेंट लुक आ जाए। पर सबसे बढ़िया कस्टमाइजेशन जो आप अपनी गाड़ी को दे सकते हैं वो है उस गाड़ी का पेंट। आज हमारे पास आई है ये व्हाइट कलर की Hyundai Elantra, जिसपे हम करने वाले हैं ऑडी का नाडो ग्रे। कस्टमाइजेशन का मुझे नहीं लगता इससे बढ़िया ऑप्शन और मिल सकता है कि आप अपने चॉइस का कलर अपनी गाड़ी पे करा सके, क्योंकि ये एक सेडान है और बहुत ही शार्प लुक से सेडान की इसमें कलर बहुत प्यारा लगने वाला है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, देखते हैं ये प्रोजेक्ट टर्नआउट कैसा होता है। चार से लेके 2024 के बीच में इंडिया में हुंडई ने इलांट्रा नाम से बहुत अलग अलग गाड़ियां निकाली। अब इस 20 साल के पीरियड में जो इलांट्रा मेरी फेवरेट है वो ये 2016 से 2019 के बीच में आने वाला मॉडल है। पता नहीं क्यों बट इसके लुक्स मुझे काफी ज्यादा पसंद है। ऐसे शेप की सेडान दिखती भी काफी ज्यादा स्पोर्टी है। तो मुझे जब पता चला कि क्लाइंट ने इसको नाडो ग्रे करने का चूज किया है तो मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि आई न्यू इस शेप पर वो कलर काफी ज्यादा सूट करेगा। इस गाड़ी की कंडीशन रिलेटिवली क्लीन थी, ज्यादा डेंट्स नहीं थे, बट कुछ पैनल्स पर पेंट स्ट्रिप करने की जरूरत थी, बस पेंट थिकनेस काफी ज्यादा था। ऐसे केसेस में बिना पेंट उतारे भी पेंट किया जा सकता है, बट देन पेंट फेलियर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इस कार में एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगती है और वो है इसका इंटीरियर। जितना मुझे कार्स के साथ एक्सपीरियंस है, आई थिंक इसका इंटीरियर काफी हद तक ऑडी A4 जैसा है जो 2013 से 16 के बीच में आती थी, और ब्लैक्ड आउट इंटीरियर्स हमेशा ही बहुत अच्छे लगते हैं। इस गाड़ी में फॉर इट्स टाइम फीचर्स तो काफी ज्यादा थे ही, बट अच्छी बात यह है कि आज के टाइम में भी ये गाड़ी काफी ज्यादा रेलेवेंट लगती है। नाडो ग्रे एक सॉलिड शेड है, मतलब इस कलर को बनाते हुए कलर में कोई भी चमकीली या जेरेलिक्स का यूज नहीं होता, तो इस कलर में मेटालिक इफेक्ट नहीं होता। जो हम नॉर्मली आजकल की गाड़ियों में ग्रे शेड देखते हैं वो मेटालिक पेंट्स होते हैं। मेरे ओपिनियन में मेटालिक कलर्स ज्यादा लग्जूरियस लगते हैं और सॉलिड कलर्स ज्यादा स्पोर्टी। ऑब्वियसली ये कार के शेप पर भी डिपेंड करता है, बट जनरली भी आप अगर आजकल के टाइम में बेचे जाने वाली स्पोर्ट्स कार भी देखेंगे तो उन पर भी सॉलिड कलर्स काफी ज्यादा पॉपुलर है। नाडो ग्रे दिखने में तो बहुत सिंपल शेड है, बट आई थिंक ये एक ऐसा कलर है जिससे बहुत साल बाद भी आप अपनी गाड़ी को देख के बोर नहीं होंगे। ये कलर काफी ज्यादा एलिगेंट है और बाहर देश में आने वाली बहुत सारी इंटरनेशनल वर्जन की गाड़ियों में भी ये कलर बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। We'll be right back.
मेरा ये मानना है कि नार्डो ग्रे के साथ ब्लैक्ड आउट लुक बहुत अच्छा लगता है, इसलिए जब हम ये कार प्लान कर रहे थे तब हमने यही फाइनल किया कि इसके व्हील्स, हैंडल्स, ग्रिल्स और छोटे मोटे सारे ट्रिम्स हम मैट ब्लैक में पेंट करेंगे। हेलो सर, हाय, हाउ यू? वेरी वेल सर, हेलो, नाइस मीटिंग यू। कैसे लग रही है सर कार? परफेक्ट। हाउ डिड यू कम अप विद दिस एग्जैक्ट कलर, इफ आई मे आस्क? आई हैव सीन टू ऑफ दीस वेरिएंट्स, वन वाज द BMW, राइट राइट, बड़ी वन, देन आई सॉ द स्कोडा एज वेल। करना तो नॉर्मल पेंटिंग था विद द सेम वन, बट आई थॉट लेट्स गो फॉर समथिंग डिफरेंट, इफ वी हैव टू दैट, एंड इट्स रियली कम अप वेरी नाइस, गुड जॉब, इफ नॉट लेट अस डाउन, दैट्स फॉर श्योर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। आई एम हैप्पी दैट वी आर एबल टू ब्रिंग दिस आइडिया टू पीपल वेयर यू कैन डू सर्टेन थिंग्स लाइक दिस, एंड द मार्केट हैज बिकम सो कि आजकल लोग डिसीजन ले पाते कि हाँ ये करना है या ऐसा कुछ सोचते भी हैं, वरना 4-5 years back people had no idea that even we can change the color of car or not. People coming all the way from Mumbai out here, and itself shows that people are now getting little bit aware of what right, other right, things are, how things can be done. Thanks a lot, appreciate it. Yes, pleasure meeting you, sir. Yeah, thank you so much.